हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल अटोरिया। वेलकम बैक टू अवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और काफी टाइम के बाद आपसे जुड़ रहा हूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी 2025 के बारे में। और आप लोगों ने ये न्यूज तो देख ही ली होगी कि अभी रिसेंटली जो हमारा जैसे दैनिक भास्कर हो गया, नई दुनिया हो गया, उसके अंदर एमपीपीएससी के द्वारा जो भी अपडेट्स आई हुई हैं वैकेंसी को लेके, कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम्स आपकी हैं उनके नोटिफिकेशन दिसंबर में रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये न्यूज तो देखी ली होगी। और जो हमारी एमपीपीएससी एई है उसका नोटिफिकेशन लास्ट ईयर नहीं आया था, तो इसके 101% चांस है कि इस बार दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाए। साथ ही साथ जो इंटरनल न्यूजेस होती हैं उनके बेसिस पे भी मैं आपको ये बोल रहा हूं कि बोला गया है ऐसा कि इस बार वैकेंसी आपकी आएगी एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर की। ठीक है, और थोड़ा सा एक और अगर आप देखोगे कि प्रीवियस जो नोटिफिकेशन है हमारे असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के, मतलब मैं बात कर रहा हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की, इसके जो प्रीवियस ईयर में जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं ये सारे नोटिफिकेशन आपके लास्ट वीक में रिलीज हुए हैं। किस मंथ के? दिसंबर मंथ के। मतलब वही आपकी आप डेट देखोगे तो 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, 31 हो गया, मतलब ये जो लास्ट के डेज आपके हैं दिसंबर के, इन डेट्स में आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है। और अगर इन डेट्स में आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो वही आपके पास 5 to 6 months का समय बचेगा। अगर आप आज से देखोगे तो 5 to 6 months का समय हमारे पास रहेगा एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो दैट इज द राइट टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। और जो अभी अभी रिसेंटली पास आउट स्टूडेंट हुए हैं उनके लिए भी ये है कि भाई अभी आप पास आउट हुए हैं, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो आप लोग भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अब अपन थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन एग्जाम पैटर्न समझ लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का आपका एग्जाम होता है, इसमें पहले आपका रिटर्न एग्जाम होता था, मेंस का पेपर होता था। लेकिन लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि जो एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर मेंस का जो पेपर आपका होता है उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, और टोटली आपका जो पेपर है एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर हो गया है। मतलब कि आपका एक पेपर होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और फाइनली आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो पेपर की अगर मैं बात करूं तो पेपर आपके दो सेक्शन में है, मतलब कि एक आपका ए पार्ट है और एक आपका बी पार्ट है। ए पार्ट के अंदर आपसे मध्य प्रदेश मतलब एमपी का जीके आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एमपी जीके आपसे पूछा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बाइफरकेशन आप करोगे तो एमपीजी के जो आपका है वो 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जो करंट अफेयर्स आपका है इससे आपको जो मिलेगा 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 5 क्वेश्चंस आपका आईसीटी से पूछा जाएगा। मतलब कुल जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो पार्ट ए आपका रहेगा। ठीक है, 150 नंबर आपके यहाँ पे रहेंगे इन 50 क्वेश्चंस के, मतलब एक क्वेश्चंस आपका यहाँ पे 3 नंबर का रहने वाला है। पार्ट बी की अगर मैं बात करूं तो संबंधित इंजीनियरिंग विषय, मतलब अगर आपने सिविल ब्रांच ली हुई है, मतलब सिविल ब्रांच से आप ग्रेजुएट हुए हैं या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मतलब ये 4 स्ट्रीम के अंदर ही आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर कंडक्ट कराया जाता है। तो जिस स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा उस स्ट्रीम के आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहां पर भी एक जो क्वेश्चन आपका होगा वो आपका 3 marks का होगा, मतलब कंप्लीट आपका 300 marks का आपका पार्ट बी रहने वाला है। मतलब अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आपका 450 marks का पेपर होगा जिसके अंदर आपसे 150 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू यहां पर होगा और इंटरव्यू जो आपका होगा वो 50 marks का होगा और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी जारी होगी वो टोटल आपकी 500 marks के हिसाब से जारी होगी। ठीक है, तो ये तो आपका एक एग्जाम पैटर्न हो गया कि इनकी एग्जाम पैटर्न में स्कीम क्या है।
क्लियर कि भाई खंड आ के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, खंड बा के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है। हम आज डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट बी के बारे में कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो पार्ट बी के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में जब आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो टोटल 40 सब्जेक्ट अराउंड आपने पढ़े होंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो 40 सब्जेक्ट आपको टोटल नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो पढ़ना क्या क्या है उसकी अपन यहां पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये तो सेक्शन ए हो गया जो आपका भाई जनरल नॉलेज और मध्य प्रदेश और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी हमारे चैनल पे मिल जाएगी जो हमारे सर हैं भवदीप सर, उनके द्वारा एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो आपके नॉन टेक पोर्शन पे बनाया गया है, आप उस वीडियो को वहां पे देखें, आई बटन के अंदर उस वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन बी की। सेक्शन बी हमारा जो रहेगा वो रहेगा टेक्निकल, और टेक्निकल में हम डिस्कस यहाँ पे जो कर रहे हैं वो डिस्कस अपन यहाँ पे करेंगे आज सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच को। ठीक है, हम बात किसकी करेंगे, सिविल ब्रांच की बात करेंगे। तो सिविल ब्रांच के अंदर एमपीपीएससी एई में टोटल 10 सब्जेक्ट्स मतलब कि 10 यूनिट्स यहां पे इन्होंने दी हुई हैं। यूनिट वन के अंदर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या किया है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर दो सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया है, एक सब्जेक्ट तो आपका यहां पे सॉम हो गया है और एक सब्जेक्ट आपका टॉस हो गया है। ठीक है, पहले जो आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता था ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा जाता था जब रिटन एग्जाम आपका होता था, बाद में इन्होंने सॉम को इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सॉम के अंदर सॉम को ऐड किया, तो टॉस जो आपका सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट आपका मतलब उसका स्मॉल पोर्शन ही इसके अंदर ऐड किया है, बाकी सॉम का पोर्शन इन्होंने मेजरली इसके अंदर ऐड कर दिया और उसकी एक यूनिट बना दी कि भैया ये हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट हो गया है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड यूनिट के अंदर आपको स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन यहां पे पढ़ना है। अब कॉलेज टाइम के अंदर आप क्या करते हो, वॉल्यूम वन भी पढ़ते हो, वॉल्यूम टू भी पढ़ते हो, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ वॉल्यूम वन जो आपने पढ़ा है उसको ही यहां पे पढ़ना है। सिमिलरली यूनिट नंबर तीन आप देखोगे आरसीसी सब्जेक्ट आपका हो गया है, यूनिट फोर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट मतलब सीपीएम सब्जेक्ट आपका हो गया, यूनिट फाइव के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाएगा, यूनिट सिक्स के अंदर वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग आपसे पूछा जाएगा, यूनिट सेवन के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स आपसे पूछा जाएगा। ये सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है, लास्ट ईयर जो एग्जाम्स हुई है उसके अंदर पहले फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं आता था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रेलवे इंजीनियरिंग आपका हो गया है, यूनिट नाइन की अगर मैं बात करूं तो हाईवे एंड एयरपोर्ट्स आपका हो गया है, यूनिट टेन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यहां पर हो गया है। मतलब ये 10 यूनिट आपको पढ़नी है एमपीपीएससी एई एग्जाम के लिए। ठीक है, अब 10 यूनिट है और टोटल 100 क्वेश्चन है, मतलब हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि भाई स्टील में अगर उन्होंने एक दो क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया तो आरसीसी में एक दो क्वेश्चन वो कम कर दे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन का आपको वेरिएशन मिल सकता है, ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा देखने को, आप मान सकते हो कि हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। डिटेल में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपका है सब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि सॉम वाला जो पोर्शन है वो पूरा सॉम का पोर्शन आपको पढ़ना है, साथ ही साथ टॉर्स का पोर्शन। अब टॉर्स की अगर पोर्शन की यहाँ पे बात की जाए तो जैसे कि ये आपका डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हो गया, स्टैटिक एंड डायनामेटिक इनडिटरमिनेसी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, वर्चुअल वर्क, एनर्जी थ्योरम, डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस एंड रिडंडेंट फ्रेम, मतलब टॉस वाला जो पोर्शन है वो बस इतना ही इन्होंने इसके अंदर ऐड किया है, बाकी जो आपके स्ट्रेस प्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन प्लेन स्ट्रेन मोहर सर्कल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इलास्टिक थ्योरी आपकी हो गई, प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका हो गया, बेंडिंग सियर और टॉर्सन हो गया, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला जो सेक्शन आपका है उसको ऐड किया है और इसको दोनों को मिला के एक यूनिट इन्होंने यहाँ पर बना दी है। आई बात समझ में। अब स्टील की अगर मैं बात करूं तो स्टील के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तो स्टील के अंदर अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं ना तो स्टील के अंदर जैसे आपका एक टॉपिक होता है कनेक्शन, ठीक है, तो आपको कनेक्शंस को पढ़ना है कि कनेक्शंस क्या होते हैं।
ठीक है, कनेक्शन आप पढ़ोगे। कनेक्शन के बाद अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे टेंशन मेंबर को पढ़ोगे, अपने को टेंशन मेंबर पढ़ना है कि टेंशन मेंबर क्या होता है, टेंशन मेंबर की कैसे डिजाइन होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कंप्रेशन मेंबर आपका हो गया, आप यहाँ पे किसको डिस्कस करोगे, मतलब कंप्रेशन मेंबर को आपको पढ़ना है। कंप्रेशन मेंबर के बाद अगर मैं बात करूं तो कॉलम बेसिस जो आपका होता है, उस कॉलम बेसिस के टॉपिक को, कॉलम स्प्लाइसिस के टॉपिक को आपको डिस्कस यहाँ पे करना है, मतलब पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्टील के अंदर ही आपको बीम को पढ़ना है, ठीक है, बीम के साथ साथ आपको पढ़ना है यहाँ पे प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर को आप पढ़ोगे। गेंट्री गर्डर वगैरह इसके अंदर नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको प्लेट गर्डर तक पढ़ना है। और लास्ट जो आपका इसका टॉपिक है वो है आपका प्लास्टिक एनालिसिस, ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस आपका है, तो आपको ये प्लास्टिक एनालिसिस को यहाँ पे पढ़ना है। मतलब स्टील सब्जेक्ट जो आपका रहेगा उसके अंदर बस आपको इतने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। अब प्रिपरेशन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो स्टील के अंदर आपको बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं करना है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अब मेंस का पेपर आपका है नहीं है, एमसीक्यू टाइप आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो भी आपके रिकमेंडेशन है, अब स्टील के लिए आपका कौन सा आईएएस कोड होता है भैया, 800-2007 होता है। तो आईएएस कोड के जो रिकमेंडेशंस यूज होते हैं डिजाइन करने के लिए, वो रिकमेंडेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को यहाँ पे स्टील सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट जो डिजाइन आपका है, आरसीसी सब्जेक्ट जो आपका है, इसके अंदर भी सेम अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको क्या पढ़ना है, आपको एक तो बीम पढ़ना है, बीम का पूरा डिजाइन पढ़ना है। मतलब बीम को आप WSM से और लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करते हो, तो भैया ये पूरा आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब बीम, जब रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट डिजाइन आप पढ़ोगे तो इसी के अंदर जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी वाला छोटा पार्ट होता है ना, कि कंक्रीट मटेरियल क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो वो चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। तो एक तो बीम आपको इसके अंदर पढ़ना है, आपको स्लैब इसके अंदर पढ़ना है, आपको कॉलम वाला जो सेक्शन है वो कॉलम वाला सेक्शन आपको इसके अंदर पढ़ना है, आपको नेक्स्ट इसके अंदर फुटिंग, फुटिंग की जो डिजाइन होती है, जो क्राइटेरिया है फुटिंग से रिलेटेड, वो फुटिंग से रिलेटेड क्राइटेरिया आपको पढ़ना है। साथ ही साथ अगर मैं आपसे बोलूं तो PSC प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट वाला जो पार्ट है वो भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। डिटेल में यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको चीजें बता दी हैं कि अपने को पढ़ना क्या क्या है। मतलब बीम पढ़ना है, WSM LSM से स्लैब पढ़ना है, कॉलम पढ़ना है, फुटिंग पढ़ना है, ठीक है। अब RCC डिजाइन के अंदर कौन सा कोड यूज होता है जल्दी से कमेंट में आप बता दें मुझे, उस कोड के जितने भी रिकमेंडेशन इन डिजाइन को करने के लिए यूज होते हैं वो सारे रिकमेंडेशन अपने को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर वही हो गया कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एस्टिमेट वाला थोड़ा सा पार्ट आपसे पूछ लिया जाएगा, स्पेसिफिकेशन एनालिसिस एंड रेट ऑफ वेरियस वर्क्स आपसे पूछ लिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या होता है, शेड्यूलिंग थ्रू CPM आप कैसे करोगे, पर्ट कैसे करोगे, मतलब इसका एनालिसिस कैसे होगा, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन थ्रू नेटवर्क कंस्ट्रक्शन आप कैसे करोगे, फ्लोटिंग टाइम्स क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, रिसोर्स अलोकेशन क्या होता है, टाइप ऑफ टेंडर, कॉन्ट्रैक्शन कंडीशंस जो आपका है, मतलब ये थोड़ा सा पार्ट आपका QSC वाला, एस्टिमेशन वाला पार्ट इसके अंदर आ गया है, एनालिसिस ऑफ रेट वाला पार्ट आपका यहाँ पे आ गया है। अगर आप थोड़ा सा देखोगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं लैंड एक्विजिशन और इस पे आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बने हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे गए हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, तो थोड़ा सा अपने को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 10 नंबर की बात है, 10 नंबर की बोल रहा हूं मैं, 10 क्वेश्चंस की बात है, 10 क्वेश्चंस आपके CPM से यहाँ पर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा जैसे कि यूनिट नंबर 5 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो कंप्लीट एनवायरमेंट अपने को यहाँ पे पढ़ना है, मतलब कि आपको वाटर क्वालिटी पैरामीटर होंगे, बेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे, इनका ट्रीटमेंट होगा, तो ये पूरा का पूरा अपने को सब्जेक्ट इसके अंदर पढ़ना है। पहले जो आपका एग्जाम होता था, जब मेंस का पेपर आपका होता था, उस टाइम पे एनवायरमेंट के बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, मतलब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भाई नहीं बनने वाला आपसे क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री उसके अंदर न्यूमेरिकल के अंदर ज्यादा पूछी जाती थी। लेकिन अब जो लास्ट ईयर आपके पेपर्स हुए हैं उसके अंदर एनवायरमेंटल सब्जेक्ट आपका बहुत इजी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी आते हैं, और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ लिया, तो आपसे सारे क्वेश्चंस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बन जाएंगे। मतलब इसके अंदर वही हो गया कि आपको वाटर क्वालिटी क्राइटेरिया पढ़ना है, वेस्ट वाटर का पढ़ना है, ठीक है,
जो आपका वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट आपका होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो अब ये यूनिट 5 हो गई है। 6 यूनिट में बात करें तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंदर इरिगेशन सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब इन्होंने, अब सिलेबस देख के हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इन्होंने क्या किया, इसी के पार्ट्स को निकाल के अलग अलग इसके अंदर डाल दिया। जैसे कि ग्राउंड वाटर अलग कर दिया, भैया ये हाइड्रोलॉजी के अंदर हम पढ़ लेंगे। जो स्टोरेज स्कीम्स हमारी हैं, डाइवर्जन स्कीम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वाटर लॉगिंग है, ये सब इरिगेशन का पार्ट है, ठीक है। तो ये हम इरिगेशन के अंदर इन सारी चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल में ये जो सिलेबस है हमारे टेलीग्राम चैनल से आप देख सकते हो, या फिर एमपीपीएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और सिलेबस को देख सकते हो। नेक्स्ट यूनिट 7, ये आपका नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस आपका यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो आपका है वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो यूनिट नंबर 8 के अंदर जैसे कि रेलवे इंजीनियरिंग आपका हो गया, रेलवे इंजीनियरिंग के बाद आपका ये हाईवे और एयरपोर्ट वाली जो यूनिट है वो अलग कर दी। रेलवे की अगर मैं बात करूं तो भैया ये यूनिट ऐसी हो गई है ना कि इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आपके रेलवे अकेला, मतलब एक छोटा सा सब्जेक्ट है अगर मैं बोलूं, सिंपली आपका 15 से 20 पेज के अंदर ये कवर अप हो जाता है और इससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और एग्जाम के अंदर आप देखोगे, प्रीवियस ईयर पेपर को आप उठा के देखोगे ना, तो उसके अंदर भी रेलवे का पोर्शन बहुत अच्छा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को, छोटा सब्जेक्ट है, अपने को ऐसे सब्जेक्ट को सबसे पहले कंप्लीट करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है, जो स्कोरिंग है जहां से हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाईवे और एयरपोर्ट हो गया। अब एयरपोर्ट वाला जो पार्ट है बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है, तो हाईवे वाला पार्ट अपने को ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करूं तो भैया ये सिलेबस में तो जुड़ा हुआ है लेकिन इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, और 1-2 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कभी कभार 1 भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। मात्र 4 या 5 पेज का इसका कंटेंट है, 4 या 5 पेज अगर आपने ऐसी जनरल स्टडी भी कर ली तो अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो भी आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट अगर मैं बात करूं तो भैया ये है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसको अगर मैं बात करूं तो आप सॉइल मैकेनिक्स के नाम से जानते हो, ठीक है। यही नाम आप लोगों ने कॉलेज में सुना होगा, सॉइल मैकेनिक्स। तो ये सॉइल मैकेनिक्स वाला अपने को कंप्लीट यहां पर पूरा सब्जेक्ट करना है, और ये बड़ा सब्जेक्ट है और अच्छा सब्जेक्ट है, इजी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अच्छे से पढ़ लोगे तो 10 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में वो आप सारे इजी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये अपन ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया है पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में अपन ने डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं अब कि अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो नेविगेट इंस्टीट्यूट का एक नया बैच जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में ट्यूजडे से स्टार्ट हो रहा है, न्यूली फ्रेश बैच है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो लाइव ऑनलाइन बैच की अगर मैं बात करूं तो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही मोड में आपको ये बैच अवेलेबल होगा, मतलब लाइव क्लास भी आपको मिलेगी, साथ ही साथ में जो लाइव क्लास हुई है वो आपको एज अ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगी। तो ट्यूसडे से आपका ये बैच यहां पर स्टार्ट होगा, ठीक है। ट्यूसडे से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ट्यूसडे की अगर मैं बात करूं तो भैया आप वो डेट की मैं बात कर ही देता हूं, 12 नवंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है? 12 नवंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है दोनों ही मोड में है भैया, ऑनलाइन में भी है और ऑफलाइन में भी है, दोनों ही मोड में ये बैच अवेलेबल है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो यहाँ पे कोर्सेस जो है हमने थोड़ा सा बाइफरकेट भी किया है कि अगर आप सिर्फ पार्ट ए वाला जो सेक्शन आपका है, क्या है, पार्ट ए वाला जो सेक्शन है, मतलब कि पार्ट ए के अंदर आपका क्या आएगा, एमपी जीके आएगा, ठीक है, आईसीटी आएगा, करंट अफेयर्स आपका आएगा, यही आएगा ना, तो ये पार्ट ए का आपको सेपरेट मिल जाएगा, ठीक है। आपको पार्ट ए का सेपरेट कोर्स मिल जाएगा ऑनलाइन मोड में, और दूसरा जो मोड है इसके अंदर कंप्लीट आपको पैकेज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कंप्लीट पैकेज। कंप्लीट पैकेज से मतलब है कि जो हमारा पार्ट ए वाला सेक्शन है और पार्ट बी वाला सेक्शन है ये आपको कंप्लीट यहां पर मिल जाएगा, और ऑफलाइन जो रहेगा इसके अंदर तो कंप्लीट आपका रहने वाला है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दे दिया जाएगा, इस कोर्स की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप उस नंबर पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको बताऊं कि अगर आप सेल्फ स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं लेकिन आपको सिलेबस तो पता चल गया है लेकिन कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहां से स्टडी करें, इस कंटेंट को पढ़ें,
तो आपको पोस्टल स्टडी मटेरियल भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। आप जैसे चाहें आप कोर्स को ले सकते हैं मतलब। और साथ ही साथ जैसे कि अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिस सीट और टेस्ट सीरीज वगैरह की, तो ये सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आप इस एग्जाम को, अगर जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी इस कोर्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहा होगा ट्यूजडे से, जो 12 नवंबर से आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो भी आपका डिस्काउंट चल रहा होगा वो डिस्काउंट तो आपको फीस पे मिलेगा ही। साथ ही साथ में आप मेरे नाम का अगर एक कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट और उस कोर्स के ऊपर मिल जाएगा। जो कोड रहेगा वो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करना, कोर्स की जानकारी लेना और आप उस कूपन कोड को जो रहेगा उसको आप ले सकते हैं वहां से। और आप जब उस कूपन कोड को पुट करेंगे तो जो भी डिस्काउंट रहेगा उसके ऊपर एडिशनल 5% का डिस्काउंट और दे दिया जाएगा। ठीक है, तो जुड़ते रहेंगे आपसे और आपको अपडेट देते रहेंगे इस एग्जाम के रिगार्डिंग। थैंक यू।